फर्टिलाइजर इन पोटेटो और पोटेटो की किस्मों के बारे में जानेंगे, यानी कि आलू की बुवाई से पहले कौन सा खाद डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। आलू की बुवाई के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर किसको माना जाता है? तो दिन का टेम्परेचर जब 18 से 19 डिग्री आ जाए और रात का टेम्परेचर जब 15 से 20 डिग्री तक आ जाए तो आलू की बुवाई के लिए उसको बेस्ट टाइम माना जाता है। तो बात करते हैं आलू की बुवाई के लिए एक एकड़ में कौन सा खाद डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि बात करें तो एनपीके 12-32-16 100 केजी पर एकड़, उसकी जगह आप डीएपी भी ले सकते हो, उसकी मात्रा 100 केजी पर एकड़ है। पोटाश 50 केजी पर एकड़ लेना चाहिए। सल्फर 80% WDG 5 केजी पर एकड़। इफको का सागरिका करके ग्रेन्यूल आता है 10 केजी पर एकड़ लेना चाहिए। और अपने जो रूट है उसके डेवलपमेंट के लिए ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी में दीमक, सुंडी और वाइट ग्रब प्रॉब्लम ज्यादा है तो थायमेथोक्साम 25% WG 250 ग्राम से 500 ग्राम तक आप ले सकते हैं। आपकी मिट्टी का पीएच 7 से ज्यादा हो तो उसमें आप 50 केजी जिप्सम भी डाल सकते हैं। आलू के पौधे को जड़ जमाने और उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उनके आधार पर खाद लगाया जाना चाहिए। जैसे कि बात करें तो फास्फोरस जड़ों को जल्दी विकसित होने में मदद करता है और पौधे के आयनों को अवशोषित करने और परिवहन करने में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि नाइट्रोजन कंद की उपज और आकार को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम कंद के आकार और समग्र उपज को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं पोटेटो की टॉप 5 अच्छी किस्मों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कौन सी किस्म कितने दिनों में तैयार होती है और उसका प्रोडक्शन पर एकड़ कितना आता है। तो सबसे पहले बात करें तो कुफरी पुखराज, जिसका हार्वेस्टिंग टाइम है 90 से 95 दिन, इस किस्म का प्रोडक्शन है 150 से 160 क्विंटल प्रति एकड़। दूसरी किस्म की बात करें तो कुफरी बादशाह, जिसका हार्वेस्टिंग टाइम है 110 से 115 दिन, जिसका प्रोडक्शन है 120 से 130 क्विंटल प्रति एकड़। तीसरी किस्म की बात करें तो कुफरी हिमसोना, जिसका हार्वेस्टिंग टाइम है 95 दिन से 100 दिन, जिसका प्रोडक्शन है 125 से 130 क्विंटल प्रति एकड़। चौथी किस्म की बात करें तो कुफरी ख्याति, जिसका हार्वेस्टिंग टाइम है 100 दिन से 110 दिन, जिसका प्रोडक्शन है 130 से 140 क्विंटल प्रति एकड़। पांचवी किस्म की बात करें तो कुफरी चिप्सोना 1 और 2। तो किसान भाइयों, खेती से जुड़ी हुई ऐसी इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।